आपका खाना। भूख नहीं है, खाना वापस लेकर जाओ। महाराज, पूरे राज्य का शासन भार आपके ऊपर है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। वो सब उम्निजान के हाथ में देके मैं चला जाऊंगा। मेरी बेटी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। तुम जाओ। तेजी, मेरी बच्ची कहाँ खो गई तुम? बेटी तो पहले ही चली गई और अब पिता खुद ही जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे लिए तो सोने पर सुहागा। कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुक्की, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है, अभी बताता हूँ। बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके तो यही कहती हैं कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता, कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस फूल की और निगरानी नहीं कर सकता। निगरानी? इसका मतलब ये हुआ कि तेजी मौला की कहानी सच्ची है? घबराओ मत, ये बताओ कि तुम इस फूल की निगरानी क्यों कर रहे हो और राजकुमारी तेजी मौला कहाँ है? राज
राजकुमारी तेजी बोला, राजा कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर तेजी मोला की खुशी के लिए उन्होंने दोबारा शादी की। उंगनेजान को तेजी मोला की खूबसूरती से बहुत जलन हो रही थी और वो उनकी जगह लेना चाहती थी। एक दिन उंगनेजान राजकुमारी को जंगल में ले आई। फिर अपनी जादुई छड़ी से राजकुमारी को इस फूल में कैद कर लिया और राजा को झूठ बताया कि राजकुमारी जंगल में खो गई। मुझे भी यहाँ कैद कर रखा है। फिक्र मत करो दाजी, हम तुम्हें जरूर इससे बचाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें राजकुमारी को रिहा करना होगा। तुम हमारी मदद करोगे ना? जरूर जरूर जरूर। यही वो गुफा है जो महल और जंगल को जोड़ती है। मेरी खूबसूरती को पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई ना होगा, और धीरे धीरे इसी खूबसूरती के जाल में मैं महाराज को फंसा कर पूरा राज्य अपने हाथों में ले लूंगी। तेजी मोला, तुम वापस यहाँ कैसे आ गई? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छड़ी कहाँ है? गई। ये फूल तो सही सलामत है, इसका मतलब कि तेजी मोला इसमें अभी भी कैद है। तो फिर वो कौन थी जिसे मैंने देखा था? मैं ही हूँ वो लड़की बुरी मौसी जी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उग्निजान, अब हमें अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सके। बच्चे, तुम लड़ने आए हो मुझसे यानी उंगनेजान से? खा लो लड्डू और कर लो मुंह मीठा, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत कड़वा खाना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम पहले ही कड़वा खा कर आई हो। मुझसे मजाक? ये लो। हमारे रहते यहाँ की राजकुमारी को कोई तकलीफ हो ये हमें मंजूर नहीं। अब अगर अपने आप को हमारा मेहमान मानते हो तो हमारे महल चलिए और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। क्यों नहीं, आप जिस जिस दावत पर हमें बुलाएंगी हम आ जाएंगे।